तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, ईश्वर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। एक बात ध्यान से सुन लो, ईश्वर जो भी करते हैं आपके भलाई के लिए ही करते हैं, आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। तुला राशि वालों, अगले दो दिनों के अंदर आपकी कुंडली में कुछ ऐसा उलटफेर होने वाला है, कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जो कि दोस्तों शायद आप अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। तीनों लोगों से आ गया बड़ा आदेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश अपना बड़ा फैसला सुना दिए हैं कि अगले दो दिनों में एक बहुत बड़ा कांड आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, जिसका प्रभाव सभी 12वीं राशियों पर पड़ने वाला है। परंतु दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके खुद के ऊपर क्या क्या असर पड़ने वाला है। तुला राशि वालों, पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद आज की इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जिसमें हम आपको बताएंगे अगले दो दिनों में आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, अगले दो दिनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपके रोजी रोजगार कैरियर बिजनेस कैसे रहेंगे, आपके लेन देन के लिए, नए कामों की प्रारंभ करने के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, शादीशुदा जीवन यापन के लिए व खासकर बेरोजगार लोगों के लिए कौन कौन से शुभ एवं कौन कौन से अशुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं, इसकी फुल डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा समय निकालकर आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तुला राशि वालों, वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ ऐसा अचूक उपाय बताए हैं, जो भी व्यक्ति यह उपाय सच्चे मन तन से कर लेगा, इस बात की गारंटी है कि अगले दो दिनों में आपके सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी। सबसे पहले प्रभु संकट मोचन के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय श्री संकट मोचन, जय प्रभु महाबली लिखेगा, उनके जीवन के सारे दुख दर्द अपने आप दूर होने लगेंगे। भगवान संकट मोचन, प्यारे भक्तों प्रेम से बोलिए जय श्री संकट मोचन। आइए तुला राशि वालों, अब बात करते हैं आने वाले अगले दो दिनों के आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। तुला राशि वालों, विवेक और चतुराई से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे। दूसरों के दुख दर्द व तकलीफ में उनकी सहायता करने के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा तथा परिवार व समाज में आपका विशेष स्थान रहेगा। वहीं दोस्तों नेगेटिव अर्थात अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, देखिए दोस्तों यह समय रुपये पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। इस समय ग्रह गोचर इस कार्य के लिए आपके पक्ष में नहीं है। प्रॉपर्टी अथवा वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय इस समय स्थगित ही रखें तो आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि इस समय आपको लाभ नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। काफी समय से अपने जिस लक्ष्य को प्राप्त या प्रयास थे इस समय उन्हें हासिल करने में सक्षम रहेंगे तथा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न होने से अपने जो है क्षमता पर गर्व महसूस करेंगे। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। आपको कुछ ईश्वर भक्ति पूजा पाठ आपको मनन चिंतन करना है, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय पिछले समयों से सीख लेकर आपको आगे बढ़ना, ऐसा करने से आप खुद ऐसी उपस्थिति में भी हासिल करने में सक्षम रहेंगे जिसकी पिछले काफ़ी समय से आपको चाहत भी थी। प्रतिष्ठित लोगों से लाभदायक मुलाकात रहेगी और उसमें आपको लाभ हो सकता है। लेकिन दोस्तों कोई भी ऐसे अनर्गल वाणी का प्रयोग आपको इस समय करने से बचना होगा, अन्यथा नुकसान होगा और आपको जो है काफ़ी दिक्कत हो सकता है। मन में कुछ उदासी महसूस होगी तथा मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उठेंगे, परंतु जल्द ही आप इन समस्याओं पर काबू पा लेंगे और वरिष्ठ लोगों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना अभी आपको नहीं करना है।
अगर कोई एक्सपर्ट जानकार व्यक्ति है उनके साथ जाकर कुछ समय आपको व्यतीत करना है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, इस समय में मेहनत ज़्यादा और फायदा कम जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। आर्थिक समस्या अभी सामान्य रहेगी, बस आपको अपने ऊपर धैर्य बनाकर रखना होगा, ये सोचना होगा कि हर समय एक जैसा नहीं होता है, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बस आपको धैर्य बनाकर चलना होगा। अभी कम ही सही, आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाली है। आप अपनी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेंगे। नौकरी पैसा लोगों से उच्च अधिकारी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होंगे, उनके काम देखकर उन्हें तारीफ करेंगे। कामों में इस समय आपको अधिक से अधिक मन लगाकर रखना होगा। कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी तथा सामाजिक दायरा भी विस्तृत होगा। कुछ समय बच्चों के परेशानियों को आप समझने व सुलझाने में भी व्यतीत करें, इससे बच्चों का आत्मविश्वास जागृत होगा। पारिवारिक व्यस्तता में आपका योगदान अधिक से अधिक रहेगा। आपको इस समय अपने बच्चों पर कड़ी नज़र बनाकर रखना होगा, अन्यथा किसी गलत संगति के संग लगकर उनका कैरियर, उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों। आपको बताना चाहेंगे, किसी भी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ किसी प्रकार की कहासुनी हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से व क्रोध पर काबू रखें तथा शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, गुस्सा करना या फिर जल्दबाजी करना उनका समाधान नहीं है। शांति मन से अगर आप इनका समाधान ढूंढेंगे तो समाधान आपको जरूर मिलेगा। युवा वर्ग लापरवाही की वजह से अपने लक्ष्य से भटक सकती है, इसलिए आपको कोई भी काम में लापरवाही नहीं करना है। नशापान तथा लॉटरी वैसनों से अभी आपको थोड़ा दूरी बनाकर चलना होगा। और दोस्तों, आपको अपने कार्यस्थल पर स्टाफ की वजह से कुछ परेशानियाँ आएंगी, इसलिए सभी गतिविधियों पर नज़र रखना अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेहतर होगा काम से जुड़े सभी फैसले खुद ही लें, दूसरों पर ज़्यादा अभी आपको निर्भर रहने से बचना होगा। ध्यान रखें, ऑफिस में किसी प्रकार की राजनीति हो सकता है और आपको बेवजह उसमें चपेट सकता है, इस बात का ज़रा ध्यान ही रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, खर्चे बरकरार रहेंगे, इसलिए अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें। और स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें अभी आपको हो सकता है, जैसे कि छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम खांसी अभी आपको हो सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जितना हो सके शुद्ध भोजन करें, पानी का सेवन अधिक से अधिक करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको ऊर्जावान बनाकर रखेगा। आज किसी भी यात्रा से संबंधित प्रोग्राम बनाएं, आपके लिए जो है दिक्कत हो सकता है, इसलिए अभी यात्रा है तो उसे स्थगित रखें। वहीं दोस्तों, व्यवसाय संबंधित कोई भी खास फैसला लेते समय किसी अनुभवी से सलाह जरूर लें, इससे स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय नज़दीकी दोस्तों या संबंधियों से मिलना जुलना सभी पारिवारिक सदस्यों को खुशी और सुकून प्रदान करेगा। लव पार्टनर के साथ मुलाकात होगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य के बदलाव की वजह से खांसी जुकाम व बुखार आपको अभी रह सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें, आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। दोस्तों, अब खास उपाय की अगर बात करें तो किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और बजरंग बली को एक तैयार पान और लाल फूल अर्पित करना है। किसी भी बड़े काम के लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप चखद जो है सहद चख लें और ओम क्रीम क्रांत सह भूमाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करनी है। अपनी जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रख लें, इससे आपका सभी काम जो है